मेरा नाम शेख सकीना बानू, हसन नगर विस्तार में रहती हूँ। चार बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। चार बरस से मेरा आदमी छोड़ के चला गया है। तीन भाई है, मेरी एक माँ है विधवा, वो हमारे साथ रहती है। इन ब्लॉक में पत्थर मारा करा हमारे पे, मेरे घर में टोप छोड़ी। मेरे चार छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की लड़की है, 4 साल की, 3 साल की और 1.5 साल का मेरा लड़का है। और हमारे भाइयों को रस्ते में सी घरों में सी उठा उठा के मार मार के रह गए। हम है रोजदार है, रोज कमा के रोज खाने वाले, और हमारे पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी है। हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारी पुलिस कुछ नहीं सुनती है। हमारे महल्ले के प्रमुख को भी पुलिस उठा के लेके गई है। हमारा कोई बचने का चांस नहीं है। आगे पीछे से सबसे हमारे पे वार हो रहा है। आगे से डरते तो पीछे से आते, पीछे से डरते तो आगे से आते। हम जावे तो जावे कहाँ, ढाबों पे सी खड़ खड़ के पत्थर मारते, नारे लगाते और हिंदू लोग मुसलमान को गाली दे रहे गंदी गंदी। जाना तो जाना का है, हम लोग डर गए। हम घर बार छोड़ के कहाँ जाएंगे, खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में से बाहर निकल नहीं सकते है। जावे तो जावे का, जय श्री राम के नारे लगाते जाएंगे कहाँ। हम खुद हमको भी बोल रहे कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो घर में घुस के तलवारों से काट देंगे। कहाँ जाएंगे, हमारे घर में से आदमियों को मर्दों को उठा के लेके चले गए। पुलिस और लेडीजों के ऊपर जुलूम कर रही है, अत्याचार कर रही है, लाठी चार्ज मार रही है, लाठियों से मार रहे। प्रेग्नेंट औरत है, उसको लाठी लगी है, पेटों में लाठी मारी है, उसके शरीर पे पूरे जामे पड़ गए है। और यहाँ एक जुब्बो खाला करके हमारे एरिया में है, उसके ऊपर टोप छोड़ी है, पैर उसका सूज गया है। उम्र लायक इंसान है, जल गए है। और मेरे घर में रियल गैस की, पुलिस वालों ने रियल गैस छोड़ा है।